वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर से बेघर हो चुके हैं करण नाथ, और करण नाथ ने बाहर आकर दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने गेम को लेकर काफी सारे खुलासे किए, बताया कि कौन है गेम में सही और कौन है गलत। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर हुए इस हफ्ते रिधिमा और करण नाथ, और करण नाथ ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में प्रतीक सहजपाल के लिए काफी कुछ कहा है। करण ने कहा कि प्रतीक घर में लोगों को फिजूल में टारगेट करता है, उसका गेम फेक है, वो रियल है ही नहीं। उसको मुझसे डर लगता था, वो मुझे अपना बड़ा भाई बोलता था, लेकिन उसने हर बार मुझे नॉमिनेट करा, उसने मेरे पीछे से वार करा और बाद में आकर मुझसे माफ़ी मांगता था। उसको पता था कि मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे लड़ लेता था और कोई उससे नहीं लड़ता था। यही वजह रही कि उसने मुझे निकालने की पूरी कोशिश की। तो वहीं करण नाथ ने दिव्या अग्रवाल की तारीफ करते हुए कहा है कि उस घर के अंदर सबसे सही दिव्या अग्रवाल खेल रही है, उसको रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस भी है और मुझे लगता है कि वही शो को जीतेगी। तो वहीं करण नाथ ने अक्षरा के लिए भी कहा है कि अक्षरा के साथ अच्छा हुआ कि उसका और प्रतीक का साथ छूट गया, अब अक्षरा खुलकर खेल पाएगी। प्रतीक की वजह से अक्षरा के ज़्यादा दोस्त घर में नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब अक्षरा के ज़्यादा दोस्त बन पाएंगे, वो उस घर में खुलकर खेल रही हैं। लेकिन अंत में करण नाथ ने ये भी कहा कि इस घर के अंदर हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इसलिए मेरे दिल में किसी को लेकर कोई भी ग्रजस नहीं है, मेरा अपना खेलने का तरीका था और लोगों का अपना। दोस्तों, क्या कहेंगे आप कमेंट्स में लिखकर, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।